देखो अभी 1 तारीख में, सप्ताह में 1 तारीख में जो हुआ है बहुत वो अलग तरीका है। पहले का जो था, हाँ हमारा सिचुएशन May 3 से अभी तक चल रहा है, 16 मंथ हो गया है, कल 16 मंथ पूरा हो गया था। पर सितंबर के 1 तारीख में जो हो रहा है वो अनदर पोर्शन था। वो लोग का तरीका जो भी हम लोग को मारने का वो तरीका है वो अलग था, क्योंकि वो ड्रोन के थ्रू में वो कर रहा था, बॉम्बिंग कर रहा था। उसी में इंक्वायरी का वो DGP ने कह तो किया है, पर अभी बैठकर क्या करना है, अभी तो एक्शन लेने का टाइम है ना। अभी देखो फिलहाल हमने भी न्यूज में भी देखा है, जो जो जहां जहां जो DGP जाता है उसी जगह में वो, उसको मालूम नहीं है क्या कहाँ से शुरू किया है उस दिन, जो 1 तारीख में कौन शुरू किया है, कौन नुकसान हो रहा है वो पता करना पहले जरूरी था ना। वो नहीं किया है, जो जो नुकसान हुआ था, जो जो एरिया था उसी पर जाकर इंक्वायरी करने से क्या फायदा। करने वाला लोगों को तो कुछ भी नहीं कर रहा है, आज तक भी नहीं कर रहा है। शुरू से हम लोग कहते आ रहा था सेंटर और स्टेट दोनों मिलाकर फॉरेन क्यूकिन इन्वॉल्व हो चुका है। गवर्नर जो पहले का था उसने भी खुद कह दिया था ना, सोचापुर में जाकर के भी, तो उसका एक्शन तो नहीं लिया है अभी तक। तो उसके बाद वो DGP कल जाकर इधर उधर जाकर उस तरह का करने से क्या फायदा। नुकसान तो होना था, वो हो गया। जो लेडीज मर गया था वो ऐसा नहीं गया था, वो वार्ड में जाकर वो मरा है ये नहीं था। वो इस सरकार ने बोला था शांति है, मोदी जी भी खुद बोला था, ये बाजार खोलने से स्कूल चलाने से शांति होता है क्या। हम लोग चारों जगह भी नहीं जा पा रहे हैं, यही मुश्किल में रह रहे हैं हम लोग। शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं, डिफेंड करते रहते, मैथिली लोगों को ही टॉर्चर करते आ रहे हैं क्योंकि लोग ने, फिर भी कुछ नहीं करके उस दिन जो लेडीज मरा है वो गया था उस तम्बाकी के घर में। वो लोग ने तो कह दिया, अभी देखो कॉमिंग ऑपरेशन करता है वेले एरिया में ही करता है, एक बार जाकर हिल एरिया में भी करो ना, ऊपर से मंगवा लो ना। फॉरेन क्योंकि मिलिटियन हो गया तो हेलीकॉप्टर में जा नहीं सकता क्या, वो लोग भी जाकर के तुरंत पकड़ो, जहां जहां कैंप बना रहा है उसी में लगा दो। वो तो कुछ नहीं करता है, इसका मतलब है सेंटर चाहता है मैथिली लैंग्वेज को खत्म करना। इसी में स्टेट पोस्ट हमारा स्टेट सरकार भी सपोर्ट कर रहा है, यही हो सकता है हमारा कहने का मतलब। अभी फिलहाल देखो शुरू से हम लोग को सेंट्रल फोर्स आ चुका है 60,000 अबव, वही 60,000 अबव वहां जहां जहां जो शुरू हुआ है उसी में भेज दो। वहां में वो लोग जो जो बंदूक निकाल निकाल कर नया नया तरीके का बंदूक आ रहा है वो लोग को पकड़ो, एक भी नहीं पकड़ता है। उस दिन भी वो रिले में बंदूक लेकर चला था, वो क्या बोलते हैं हमारा जो एडवाइजर है उसने कह दिया खिलौना है, कहाँ का खिलौना। उस दिन के रिले में जा रहा था वो बंदूक नहीं तो कहाँ का खिलौना। यही सपोर्ट करते रहते हैं जो जो बैठा है ऊपर में, सभी सेंटर का सुनते रहते हैं। इसी में हमारा सरकार, हमारा MLA वही सपोर्ट कर रहा है, इसी से गुस्सा है। अभी इतना मंगवाने से क्या फायदा। एक देखो एक MLA ने तो कह दिया है जहां इधर में जो रह रहा है सेंट्रल फोर्स उसको वापस होना चाहिए, और DGP मांग रहा है, मतलब क्या है इसका। मतलब हमारा सरकार का जो भी बैठा है MLA मंत्री वगैरह वगैरह वो लोग का कुछ जरूरत नहीं है अभी बोलने का, जो सेंटर बोलेगा वही करेगा, DGP का तो वही आम है। क्योंकि वहां उस दिन से हम लोग पकड़ने के बाद इमामों का या हमारा विलेज वॉलंटियर ने वो लोग का डिफेंस किया था, इसी से वो नहीं हो पा रहा, मैं कहीं वही मरने से नहीं हो पा रहा, इसीलिए दोबारा बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग नहीं चाहता है, जाओ तुम लोग भी वापस, कुछ नहीं होने वाला है। आप 1 साल के ऊपर बैठा है, क्या हो पा रहा है। वो आया था May लास्ट वीक में होगा DGP जो चेंज किया था, अभी 16 मंथ हो गया है वो नहीं करके अभी क्यों बुलाना है। करना है तो शुरू से कर सकता है ना, जून जुलाई में क्यों नहीं कर रहा था DGP, क्या कर रहा था, खा पी कर बैठ रहा था क्या उस टाइम में। थोड़ा सा प्रजा ने आवाज दे देगा तो इस तरह करेगा, और प्रजा चुप रहेगा तो नहीं करेगा। इसका मतलब वो ड्यूटी भी नहीं जानता है ये DGP भी। प्रेशर करेगा तो काम करेगा, प्रेशर नहीं देगा तो काम नहीं करेगा, मतलब क्या है। इसलिए हम किसी का सुनना नहीं चाहता हूं, DGP हो या एडवाइजर हो, किसी का नहीं चाहता हूं। हम छक वापस चला जाओ, हमारा प्रजा लोग मां लोग हम अपने तरीके से रक्षा करेगा, सरकार भी ना रहने से भी बेहतर होगा अभी के। तो क्या करना है, मोदी क्या सुन रहा है, अमित शाह क्या सुन रहा है अभी तक। मोदी इस बार तो ये लेडीज माइके में जाकर मर रहा है, उसका क्या
उल्लंघन किया? नहीं। उस दिन दो लेडीज का वो भी वार्ड के टाइम में कुछ हुआ था, तो इतना हो गया वो तक भी चला गया। वो लेडीज मायके में था, वो गया था, वो मर कर आया था, उसका तो कंधे किया क्या सेंटर हो? नहीं किया ना। तो इसका मतलब सेंटर का पूरा तरीका है मैटे को खत्म करना, यही चाहता है वो लोग। मोटी बोलो या ना बोलो कोई जरूरत नहीं है हम लोग का। तो उसके ऊपर में भी वॉल है, कंट्री है, बहुत कंट्री है। हम लोग तो पहले से फ्रीडम था, इंडिया बाद में आया है, मणिपुर तो अलग से फ्रीडम है। जो वो सोच रहा है ना काश्मीर का इस तरह करेगा हर जगह का, उसका कैलकुलेशन नहीं होगा मणिपुर में, ये सुन लीजिए। आप लोगों को भी आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा जितना कोशिश करो आप लोग। हम लोग तो मर्जर एग्रीमेंट के थ्रू से जा रहा था इंडिया सरकार में, ठीक है, पहले जैसा नहीं। हम लोग बैठे अपने आप से फ्रीडम था, इसीलिए आपका कोशिश खराब हो जाएगा, मत करो कोशिश। वही तो, इसीलिए तो प्रजा लोग सब गुस्सा है। प्रजा का आज भी हम लोग प्रेस मीट इसलिए रखा था क्योंकि अभी इतना मुश्किल सिचुएशन हो गया है। अभी ड्रोन के थ्रू से बॉम्बिंग हो रहा है, ठीक है, वैली में भी कभी भी आ सकता है क्योंकि असम राइफल का तो पूरा फुल सपोर्ट है, क्योंकि उस दिन भी कैथेन मान भी था, 2 बजे से 10:30 बजे तक फायरिंग हुआ था कोर्टरूम में। तो कैथे मांडी का कोई भी ऑफिसर आकर उसी का जो जो हो कर रहा था हिल एरिया से, वही लोग को पकड़ता नहीं है, कुछ नहीं किया है। इसका मतलब है आसाम राइफल का तो पूरा का पूरा वही लोग का ग्रुप है, कहने से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी चाबी अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमको आज भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आप लोग को करना चाहता है तो कर सकता है। अभी बैठक मिल वो हमारा ऑनरेबल से हम जो भी इधर का जो एमएलए है बुला ले, मिनिस्टर बुला ले, और कुकी का भी वो लोग अवेलेबल, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार है ना, डबल इंजन सरकार है, जो मांग कर रहा है 10 लोग वो भी बीजेपी है। अभी इधर में हम लोग का है हमारे साथ में वो भी बीजेपी है, तो आराम से वो सोल्यूशन निकाल सकता है। एक बार मोदी जी ने बुलाने से वो 10 MLA भी आ जाएगा, हमारा इधर का भी आ जाएगा, मिलाकर बैठकर भी बातचीत कर सकता है। इस तरह का प्रजा को तोड़ फोड़ करने से आपका कोई भी सक्सेस नहीं होगा, आपका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इसीलिए आज भी हम लोग प्रेस मीट करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारा सरकार को। हमारा जो MP का 2 था और हमारा रिमेनिंग 50 MLA मंत्री था, वो लोग को बैठक करके तुरंत का तुरंत सेंटर को कुछ एक्शन, मतलब बंगलों में बैठ करके एक्शन नहीं, और ग्राउंड जाकर के, नहीं तो वो लोग जाकर भी वहां में मांग कर सकता है ना, वही 50-52 जाकर के भी सीधे प्रोटेस्ट करो। नहीं तो इसी का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं 3-4 दिन नहीं होगा तो हमारा माँ लोग का तो आप लोग नेशनल मीडिया में भी जा चुका है, हमारा माँ लोग बहुत गुस्सा होकर रात में मैरा निकाल कर जाना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो ये पूरा मिला करके एक न एक दिन जल जाएगा, ठीक है। पर आपका कुकी का जो आप लोग का जो भी सोच रहा है ना, कुकी आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो सोच रहा है वो बहुत गलत है। पहले जो रह रहा था इस तरह रहो ना, अभी भी नया आप लोग बुला करके इतना पैदा किया है, 13-14 एक आदमी ने कितना ग्रुप पैदा किया है पता है? चांदेल डिस्ट्रिक्ट में तो एक आदमी ने 12 अबव पैदा करता है बच्चे, ठीक है। मैंने पूछा भी था माधव का ये क्या है, बोला है पॉपुलेशन बना रहा हूँ। उसका वाइफ तो मणिपुरी आता नहीं है, चांदवेल में भी बहुत लोग हैं जो फॉरेन से आ रहा है उनकी मिलिट्री ना। तो इसीलिए मैं हम लोग का कहना है रहना है तो रहो, इस तरह का मांग करके ये यूनियन टेरिटरी ये सेपरेट कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए सोच समझ कर आपका MLA लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले जो रह रहा था इस तरह रहने का कोशिश करो, नहीं तो आप लोग का भी बहुत नुकसान हो जाएगा।